जंगल की आग ने अमेरिका के हवाई द्वीप को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 56 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 1000 लोग लापता हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। इंटरनेट सेवा, बिजली, फोन सेवा, रेडियो सर्विस, सब कुछ खत्म हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए केवल सैटेलाइट फोन ही काम कर रहे हैं। हजारों करोड़ डॉलर की प्रॉपर्टी राख हो चुकी है। हवाई पर सबसे बड़ा खतरा सुनामी बनकर आई, लेकिन उसमें भी कुल 61 लोगों की मौत हुई थी। हवाई में इस वक्त लपटों का राज है, आशंकाओं का अंबार है। 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं, 56 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने का अंदेशा है। हवाई एक हरा भरा द्वीप था, अब राख का ढेर नजर आ रहा है। हजारों करोड़ डॉलर की प्रॉपर्टी स्वाहा हो चुकी है। 1700 से ज्यादा बड़ी इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। हवाई की माउई काउंटी का लहेना जलकर खाक हो चुका है। देखिए आग की लपटें कैसे पूरी बस्ती को राख कर रही हैं और मजबूर इंसान जान बचाकर भाग रहे हैं। हवाई के समंदर किनारे खड़े ये मकान आग की चपेट में है और कुछ ही घंटों में स्वाहा हो गए। समंदर के किनारे कभी यहां हरे भरे पेड़ थे, रंग बिरंगे मकान थे, लेकिन अब सिर्फ धुआं और राख नजर आ रहा है। हवाई के जंगलों में शोले दहक रहे हैं, बस्तियां खाक हो रही हैं और आग बुझाने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। मोबाइल लैंडलाइन फोन सर्विस खत्म हो चुकी है, रेडियो कम्युनिकेशन ठप है, इंटरनेट सेवा समाप्त हो गई है। संपर्क साधने का सहारा सैटेलाइट फोन है। रेस्क्यू टीम सैटेलाइट फोन से संपर्क साध रही है। माउई काउंटी पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है। ये मैप हवाई प्रशासन ने जारी किया है। मैप में नजर आ रहा लाल रंग का क्षेत्र पूरी तरह जल चुका है।